उपस्थित माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारी, उपस्थित बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों और मीडिया के साथियों, हेलो हेलो, आज की ये जो जानदार सभा आयोजित हुई है, इस सभा से ये संदेश जा रहा है कि नागौर जिले में एनडीए के प्रत्याशी श्रीमान हनुमान बेनीवाल जी भारी मतों से विजयी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पिछले 10 दिन से नागौर जिले के हर विधानसभा क्षेत्र में जाने का हमको अवसर मिला और उस हर जगह की सभा में हमने ये महसूस किया कि जिस तरह से लोग उमड़ उमड़ के हनुमान जी बेनीवाल के जयकारे बोल रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी के जयकारे बोल रहे हैं, उससे यह लग रहा है कि जिले में 23 मई को सुनामी आएगी। ये नागौर की जनता ने, नागौर के युवाओं ने बिल्कुल धार लिया है। भाई हनुमान जी बेनीवाल, जिनको मैं पिछले 15 वर्षों से नजदीक से पहचानता हूं, कोई भी सामाजिक मुद्दा हो, किसी भी गरीब निशाय और कमजोर वर्ग का मुद्दा हो, जो भी मुद्दा उनके ध्यान में लाया गया है, उन्होंने बेखूबी उसको निभाया है। मुझे याद है, एक नागौर में जायल का प्रकरण हुआ था, हम लोग धरने पे बैठे, भूख हड़ताल की, और मैं धन्यवाद दूंगा मंच के माध्यम से कि उस चार आदमियों ने एक परिवार सहित फांसी लगा के अपनी जान को खत्म कर दिया था, उनको न्याय दिलाने के लिए यह हनुमान बेनीवाल सबसे आगे आया। विधानसभा में मजबूती से उस मुद्दे को उठाया और राज्य सरकार ने जांच करा के उन दोषियों को सजा दिलाई। इसलिए मैं मंच के माध्यम से ऐसे गरीब के प्रति हमदर्दी रखने वाले और न्याय के प्रति लड़ने वाले भाई के लिए आज सबसे मैं निवेदन हाथ जोड़ के करता हूं कि ऐसे लोकप्रिय जन जन के नेता, किसान के बेटे को मजबूती से जिता के दिल्ली भेजें और नागौर का दृढ़ता से प्रतिनिधित्व हमारा दिल्ली में होगा, इसकी मैं आपसे कामना करता हूं। मैं चाहता हूं कि हाथ खड़े करके सब इस बात को मजबूती से पेश करें कि हम हनुमान को जीता के भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के इस जोश से। ये उम्मीद है कि हनुमान जी बेनीवाल को अब कोई हराने वाला नागौर जिले में नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पे मैं देखता रहता हूं कि दलित वर्ग को भ्रमित करने का अभियान चला रखा है, गरीब तबका, कमजोर तबका, जो शिक्षा से भी पूरी तरह वाकिफ नहीं है, उनको यह कहकर भ्रमित करने का षड्यंत्र रचा गया है और रचा जा रहा है कि अगर नरेंद्र जी भाई आ गए भारत के पुनः प्रधानमंत्री बन गए तो दलितों का कल्याण नहीं होगा, अंबेडकर साहब का नाम मिटा दिया जाएगा, ऐसी ऐसी भ्रांतियां, संविधान को मिटा दिया जाएगा, ऐसी ऐसी भ्रांतियां फैला के इस गरीब तबके को भ्रमित करने का, झांसेबाजी देने का षड्यंत्र आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है। तो मैं आज इस बड़े मंच के माध्यम से आपसे आग्रह करता हूं और दो तीन बातें मैं आपके ध्यान में लाऊंगा जो ये सिद्ध करती है कि कौन अंबेडकर साहब के साथ न्याय करता है और कौन अंबेडकर साहब के नाम से झांसेबाजी का खेल खेलता है। अंबेडकर साहब को 1952 में और 1954 में दो बार उन्होंने चुनाव लड़े लोकसभा के, दोनों बार उनको चुनाव हराया। कौन सी पार्टी थी 1952 में आप समझ सकते हो, और अंबेडकर साहब को यह कह के चुनाव हराया कि अंबेडकर साहब आपने संविधान तो बना दिया है लेकिन पार्लियामेंट के दरवाजे आपके लिए बंद है,
ऐसा कहने वाले उस वक्त के जवाहरलाल नेहरू जी के ये शब्द हैं, आप रिकॉर्ड में देख सकते हो। ऐसी पार्टी जो अंबेडकर साहब को, संविधान बनाने वाले इंसान को पार्लियामेंट जाने से रोका, और एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी है जिन्होंने अंबेडकर साहब के पांच मुख्य स्थल, जिनको उन्होंने पंच तीर्थ का नाम दिया, और तीर्थ वो स्थान होता है जहां देश की 130 करोड़ जनता उस तीर्थ के स्थान पे जाती है। वो तीर्थ सिर्फ दलितों के लिए नहीं बनाए हैं, वो तीर्थ आम आदमी के लिए बनाए हैं। कौन सा तीर्थ? पांच तीर्थों को नरेंद्र भाई मोदी ने सिलेक्ट किया और उनको मजबूती से भारत सरकार के सहयोग से देश में विकसित किए जा रहे हैं। पहला तीर्थ जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, दूसरा तीर्थ जहां बाबा साहब ने शिक्षा प्राप्त करी, तीसरा तीर्थ जहां बाबा साहब ने दीक्षा ली, और चौथा तीर्थ जहां बाबा साहब की अंतिम सांस हुई, महापरिनिर्वाण हुआ, और पांचवा तीर्थ जहां बाबा साहब का अंतिम संस्कार किया गया। पांचों स्थानों को विकसित करने का काम सिर्फ हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। क्या इससे पहले कोई सरकारें नहीं थी? क्या अंबेडकर साहब उनको याद नहीं आए? और 26 नवंबर को देश का संविधान अंबेडकर साहब ने निर्मित करके, 26 नवंबर 1949 को भारत को सौंपा था, उस 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का आधिकारिक रूप से किसी ने ऐलान किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। क्या 26 नवंबर नरेंद्र भाई को याद आया? क्या उससे पहले की सरकारों को 26 नवंबर याद नहीं आया? और इतने बड़े महान विभूति को, देश के महान महामानव को अगर भारत रत्न का उपाधि भी दिलाई गई है, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला है, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी और वीपी सिंह जी की सरकार में 1990 में मिला। क्या 1952 से लेकर 1990 तक कोई सरकारें नहीं रही? तो मेरा भाइयों से और मेरा दलित भाइयों से भी आग्रह है कि एक तरफ झांसा देने वाली, अंबेडकर साहब के नाम से भरम फैला के वोट मांगने वाली, दलितों को डरा के रखने वाली पार्टी है, और एक तरफ अंबेडकर साहब का मान सम्मान करने वाली, अंबेडकर साहब को, अंबेडकर साहब का चित्र भी अगर पार्लियामेंट में लगाया है, 1993 में लगा है, तो अंबेडकर साहब को पार्लियामेंट में दर्जा दिलाने वाली, पार्लियामेंट में उपस्थिति दर्ज करने वाली और देश में नाम रोशन कराने वाली, एक तरफ ये पार्टी है और एक तरफ वो पार्टी है जो अंबेडकर साहब के नाम से सिर्फ वोट मांगती है, दलितों को प्रताड़ित करती है, गरीब को गरीब बनाती है। ऐसी पार्टी और ऐसी अंबेडकर साहब को जानने वाली पार्टी के बीच में फर्क समझने की जरूरत है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे दलित भाइयों को भी इस भ्रांति से निकाले। ये हम सबका फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि गरीब आदमी को भटकाने वाले लोगों को उनका भरम तोड़ने की जरूरत है। अंत में मैं पुनः आप सबसे, हनुमान जी बेनीवाल का निशान टायर है, और टायर एक नहीं, टायर्स है, चार टायर हैं। बैलेट नंबर दो, दो नंबर पे उनका निशान है, और टायर, जैसा कि हनुमान जी ने अपनी सभाओं में ही कहा कि टायर ऐसे छोटा मोटा नहीं है, ये ट्यूबलेस टायर है, और ट्यूबलेस टायर दिल्ली तक पंचर होने वाला नहीं है। तो मजबूती से ट्यूब को दबाएं, ट्यूबलेस टायर को जीत दिलाएं, और हनुमान भाई को दिल्ली भेजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार समाज के जिला आदरणीय बीएल भाटी साहब का, एक और हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, पूना से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए श्रीमती गुरमीत कौर हमारे बीच पधारी हैं। आपसे निवेदन है, आप मंच पर पधारे। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन लाल जी सैनी से दुपट्टा ओढ़कर आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। श्रीमती गुरमीत कौर मान, पूना। मैं निवेदन करूंगा, ठाकुर मनोहर सिंह जी, पूर्व विधायक लाडनू के स्वागत के लिए श्री कमल जी खंडेलवाल, श्री कृष्ण मुरारी जी सराफ, पप्पू जी ठेकेदार आप पधारे। कमल जी चांदोलिया, जोरदार तालियों से स्वागत। श्रीमती गुरमीत कौर जी हमारे बीच पधारी हैं। गुरमीत कौर मान, आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, आपका बहुत बहुत स्वागत। एक बार दोनों हाथ खड़े करके भारत माता की जयकारे के साथ
गुरमीत कौर जी का स्वागत करें, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर मनोहर सिंह जी का स्वागत, यहाँ मंच के बाई और यहाँ पधारे। पवन जी व्यवस्था करें, साफा माला। कमल जी चांदोलिया आप पधारे। लाडनू के पूर्व विधायक ठाकुर मनोहर सिंह जी हमारे बीच में। मेड़ता की रालोपा विधायक श्रीमती इंदिरा बावरी उपस्थित हैं। डीडवाना की नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती ग्यारसी देवी जी से निवेदन करूंगा, श्रीमती इंदिरा बावरी जी का स्वागत करें। श्रीमती ग्यारसी देवी जी चेयरमैन डीडवाना आगे पधारे, यहाँ मंच के सामने विराजे हैं। मेड़ता से पधारी रालोपा की विधायक श्रीमती इंदिरा जी बावरी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत करें माला पहनाकर। हमारे बीच में जायल की पूर्व विधायक श्रीमती मंजू जी बागमार उपस्थित हैं। नागौर लोकसभा चुनाव की आप संयोजक हैं, आपका भी इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। मैं सुनीता जी रांदड़ से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर पधारें। और हमारी जायल की आदरणीय पूर्व विधायक मंजू जी बागमार का स्वागत करें, सुनीता जी रांदड़ मंच पर पधारें। ग्यारसी देवी जी चेयरमैन डीडवाना इंदिरा जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रही हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में निवेदन करूंगा मकराना के विधायक जो बहुत लंबा बोलते हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा आज समय कम है, दिन भर बोल सकते हैं, श्रीमान रूपाराम जी मुरावतिया आपसे निवेदन है इस सभा में हम सबको ओजस्वी उद्बोधन से लाभान्वित करें, श्रीमान रूपाराम जी मुरावतिया। सम्मानित मंच, सुनने वाले मेरे भाई, सुनने के लिए तैयार टंच। एक एक को नाम लेऊं, समय कम है, बोलने वालों की लंबी लाइन है, और आज तो सबसे महंगे मेहमान हमारे योगी जी नागौर जिले में इस सभा में पधार रहे हैं, इसलिए उनके सिरमुख से जो भी सुना जाएगा वो महत्वपूर्ण है। सम्मानित मंच के बाद में हमारे अध्यक्ष जी है, भाई कैलाश जी है, सीआर साहब है, अब मैं मौजूदा एमएलए, पूर्व एमएलए, पार्टी के बड़ा बड़े पदाधिकारी। समय के साथ में वक्ता वही होता है भाइयों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ई बड़ता तावड़ा में थे, अति दूर आया हो तो शांति सुनो जरा, आ सभा भी छोकी उसी और आपने भी सुनवा को आनंद आई, तो मैं तो आई कहूं समय अनमोल है, समय अनमोल है, वक्त अनमोल है, वोट अनमोल। We'll be right back.
चुनाव है, यहाँ सब छोटे मोटे सारे ही साथ चले। इस चुनाव में छोटे मोटे 36 कौम के लोग हमारी भारतीय जनता पार्टी की साथ और मोदी जी की साथ चले। नीले गगन के तले मोदी जी का प्यार फले। दोस्तों, ये जिंदगी अनमोल है, वक्त अनमोल है, लेकिन ये मत अनमोल है, ये वोट अनमोल है। मैं इस वक्त पे आपके वोट से, आपके मत से क्या क्या हो जाता है, एक भजन में गाया हुआ है, माननीय सभी हमारे सम्मानित जो मेहमान है उनके लिए कह रहा हूं, बहुत अच्छा गाया है। अरे तुलसी नर का क्या बड़ा, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपिया, बे अर्जुन बेईमान, समय समय में हो तू है और समय समय की बात, एक समय का दिन बड़ा, एक समय की रात। आगे की लाइन सुनना आप सबको। अरे कदे कदे गादड़ा सू, कदे कदे गादड़ा सू, सिंह हार जावे समय को भरोसो को नी, कद पलटी मार जावे, कदे कदे गादड़ा सू, कदे कदे गादड़ा सू, सिंह हार जावे समय को भरोसो को नी, कद पलटी मार जावे। इस चुनाव में कुछ भ्रष्टाचार रूपी गादड़े, कुछ देश के खिलाफ बोलने वाले गादड़े एक शेर के पीछे पड़े हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कदे कदे गादड़ा सिंह हार जावे, समय को भरोसो को नी, कद पलटी मार जावे। आप लोगों की ताकत, युवाओं का जोश, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट और आन बान शान के लड़ने वालों से ये आप इस वक्त जो मौजूद हो उनके चेहरे और भाव से मुझे लगता है। कितने आए गादड़े, कितने ही शियार आए, हमारे नरेंद्र जी मोदी जो देश के लिए शेर बन के काम कर रहे हैं, उसको आप हारने नहीं देंगे, उसको आप हारने नहीं देंगे। कदे कदे गादड़ा सिंह हार जावे, प्रजातंत्र में सबसे बड़ी ताकत आपके पास में है। मेरे भाइयों, सज्जनों, बहनों और छोटे युवा जवान बच्चों, एक नरेंद्र जी मोदी किस किस से लड़ रहे हैं? भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं ताकि मेरे देश का किसान, मेरे देश का गरीब और जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, कहां कहां लड़ रहे हैं? देश के अंदर के गद्दारों से लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचारियों से लड़ रहे हैं, विदेशों में लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, चीन से लड़ रहे हैं, किसके पीछे लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, वो भी चाहे तो शांति से वक्त गुजार सकते हैं ना, एक एक पल का उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं आपको सच्चाई के साथ बोलता हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, वो सब आपके लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। ये परिवर्तन का वक्त है। जब जब कोई आदमी परिवर्तन के लिए, जब जब कोई आदमी परिवर्तन के संघर्ष करे, तो आप लोगों की प्रजातंत्र में जरूरत है। इस वक्त चाहे, मैं तो यहां तक कहता हूं, जो पार्टियां, कुछ पार्टियां सम्मानित मंच सुने, कुछ पार्टियां कुछ जाति को बरगलाकर, बहलाकर, फुसलाकर, धर्म का नाम लेकर हजारों सालों से जो यहां धर्म वाले रह रहे हैं उन पर कुठाराघात कर रहे हैं, उनकी जिंदगी या उनका धर्म को खतरा पैदा कर रहे हैं, इसलिए इसी शब्द से सुनना है आपको, समझना है कि हमें हमारे, हम राजनीति और धर्म के नाम से वोट तो नहीं मांग सकते, लेकिन क्या हमें हमारे धर्म की पालना करने का अधिकार नहीं है? क्या हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य, हमारी बहन बेटियों का मान सम्मान रखने का अधिकार नहीं है? इशारों इशारों में बहुत कुछ समझाया जा सकता है, इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आप लोग इस वक्त, मैंने रात को मैं 2 बजे तक सोचता रहा, लिखता रहा, कभी बेचता रहा, कभी बिकता रहा। मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, यह चुनाव केवल 5 साल के नहीं है, इस चुनाव से राजस्व हिंदुस्तान का इतिहास बदला जाएगा। इस चुनाव से हमारे साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी जीत रहे हैं, फिर भी एक एक सीट का, मैंने कहीं सुना है एक सीट तो कहीं फर्क पड़े,
अरे एक सीट का तो सबसे बड़ा उदाहरण रहा है सीपी जोशी जी, एक बोर्ड से हार गए। हमारे अटल बिहारी जी बात पे कि सरकार एक सीट से चली गई, इसलिए ये छोड़ो जो सीट जीत, यहाँ चुनाव हो रहा है राहुल जी के बारे में। मैंने राहुल जी की एक छोटी सी तस्वीर देखी, तलवार जब म्यान से निकालते हैं तो तलवार लहराई जाती है, मारो भाई बोड़ो डालो गेलो गूंगो समझे को नहीं, तलवार ने नीचा कर म्यान ने ऊंची लटका हुआ है, ऐसे लोगों के बोर्ड दोगे आप? है कटाई ज्ञान है ही को नहीं? द नॉलेज इज नॉट डेवलपमेंट, अंडरस्टैंड, नॉलेज इज नॉट डेवलपमेंट, आई एम टेलिंग ट्रूथ ऑल ऑफ यू। मुझे लोग कहते हैं सर गजेंद्र जी साहब, मैंने कहते हैं अंग्रेजी बोलो और बीच में गलतियां करो। अरे मैं तो सही अंग्रेजी बोल सकता हूं, बीच में जानबूझकर गलती करूं ताकि अंग्रेजी की बेइज्जती हुए तो मारो जीव सुर हुए थोड़ो, अंग्रेज तो हमारे जन्म के बाद में भाग गया। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं, दूसरी बात मैं समझू, एक मिनट और बोलू, दूसरी सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूं, वक्त का तकाजा देखिए, वक्त की नजाकत देखिए, वक्त का फायदा देखिए। राजा हरिश्चंद्र राजा भरतरी थे, सम्मानित मंच राजा भरतरी इसलिए थे कि उन्होंने त्याग, उस वक्त को यह बात की जरूरत थी कि त्याग और शांति और तपस्या से मानव जीवन के कल्याण के लिए है। वही राजा भरतरी आज फिर से राज कर रहे हैं, ये समय का तकाजा है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो योगी जी आ रहे हैं वो आज इसीलिए, एक साधु सा एक तपस्वी था एक योगी था, समय की जरूरत थी कि आप राज करो लोगों की सेवा करो। इसी आशा के साथ में आपको फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद भारत माता की। धन्यवाद। तेजा की मांग है, आज 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 एक पंक्ति बोल दिया। देखो मैं विधानसभा में बोलियो जो केवल तेजो गुण गायो हूँ, पहली मैं गायो अरे मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने को, दूसरा आप जा कह दियो तो मैं तेजो गा दियो, बाकी घड़ी घड़ी में क्या नगवाब थे लाइन है अरे ना गौरी तू सूरा धरतीरा अवतारी वो, अरे लीलणरा असवारी वो, सतवंती तू राजा हो, हे हे रे हे हे हे। सभी अपने अपने इष्ट देवता को पूछ कर बोल देंगे, हे पिता परमेश्वर ईश्वर बाबूजी तेजाजी रामदेव जी केसरे कंवर जी, राहुल गांधी को मजबूत करे जो कुछ जानता भी नहीं है, या हमारे मोदी जी को मजबूत करे जिसकी वजह से हिंदुस्तान 500 साल आगे उज्जवल भविष्य की ओर, सुख संपत्ति की ओर, हमारे धर्म की पालना करने की ओर जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। कदे एक लो आऊं दो घंटा बोलूं, आज तो थोड़ी मुंडो खोलूं, लियाओ तो निरोपण थोड़ो ही तोलूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लाडले विधायक आदरणीय रूपाराम जी मुरावतिया। हमारे बीच श्रीमान मंगेश सिंह जी बरांगना, खुशी की बात है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं कि सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान मंगेश सिंह जी बरांगना से मंच पर पधारे, आदरणीय मदन लाल जी सैनी प्रदेशाध्यक्ष जी मंगेश सिंह जी बरांगना को पार्टी के सदस्यता ग्रहण करवाएं। अभी विधानसभा में डीडवाना में आप प्रत्याशी थे, श्रीमान रामचंद्र जी उत्ता विधानसभा प्रत्याशी खींवसर से हमारे बीच पधार चुके हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष, आपसे निवेदन कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में भोपालगढ़ के विधायक श्रीमान पुखराज जी गर्ग रालोपा विधायक उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। आपके स्वागत के लिए श्रीमान प्रताप सिंह जी लोणवा, श्री धनराज जी पारेख, श्री धर्मेंद्र जी वैष्णव से निवेदन है कृपया मंच पर आए, और भोपालगढ़ के रालोपा विधायक श्री पुखराज जी गर्ग का साफा माला और दुपट्टा पहनाकर हार्दिक स्वागत करें। एनडीए विधायक हैं, जैसा साहब कह रहे हैं एनडीए विधायक हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीए में। ये पत्रकारों के पास में जो भीड़ हो रही है अनावश्यक, पीछे दर्शकों को दिख नहीं रहा है, आपसे पहले भी निवेदन किया था कृपया यहां से ऐसा आप अपना
स्थान लें ताकि पीछे के दर्शकों को भी दिख जाएं, और मीडिया के अलावा जो लोग खड़े हैं, जो मीडिया के अलावा जो लोग खड़े हैं, कृपया मीडिया के लिए जो निर्धारित स्थान है वो छोड़ दें, आप फोटो दूसरी जगह से लिए, क्योंकि पत्रकार बंधुओं को परेशानी हो रही है, फिर वो जब ऊपर खड़े होते हैं तो पीछे वालों को दिखाई नहीं देता है। कृपया बाकी लोगों को वहां से, पुलिस के अधिकारी वहां खड़े हैं, कृपया ध्यान दें, पत्रकारों के अलावा वहां से हटा दें, आप फोटोएं दूसरे स्थान से लें। हम सबके बीच में श्री मंगेश सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, आपका पार्टी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भोपालगढ़ के विधायक श्री फुकराज जी गर्ग का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। माला पहनाकर, साफा पहनाकर आपका हम सबके बीच में हार्दिक स्वागत। हम सबके श्रीमान मान सिंह जी किणसरिया, पूर्व विधायक परबसर से निवेदन करूंगा कि हम सबको अपने संक्षिप्त उद्बोधन से लाभान्वित करें। श्रीमान मान सिंह किणसरिया, मान सिंह जी। डीडवाना की इस सभा में हमारे बीच में पधारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सम्माननीय मदनलाल जी सैनी साहब, जोधपुर से सांसद पूर्व मंत्री सम्माननीय गजेंद्र सिंह साहब, और नागौर से सांसद और मौजूदा मंत्री सम्माननीय सीआर साहब, सम्मानित मंच, यहां पधारे सभा में बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति साथियों, देश का चुनाव हमारे सामने है और पूरे देश में मोदी जी का वातावरण है। पूरे देश की जनता मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री देखना चाहती है। मोदी जी ने जो राष्ट्र निर्माण के लिए 5 साल काम किया है, इसके लिए सारी जनता मोदी जी को साधुवाद देती है। पुनः मोदी जी इस देश को आगे ले जाए, इस आशा के साथ में मोदी जी को पुनः सत्ता पे काबिज होए ऐसा देखना चाहती है। साथियों, इस राष्ट्र निर्माण में जब तक हम सभी का योगदान नहीं होगा, तब तक मजदूर, मजबूत और ईमानदार शासन हमारे देश को नहीं मिल सकता। मोदी जी ने जो 5 साल तक ईमानदार सरकार दी, किसी भी सरकार के निर्माण में सबसे पहले वह ईमानदार सरकार होनी चाहिए, और जाति पाति धर्म से ऊपर उठ के देश को आगे ले जाने वाली सरकार होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मजबूत राष्ट्र व राष्ट्रीय भावना के साथ में इस देश में शासन किया है। आज हमारे राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी साझा चुनाव लड़ रही है। मेरा निवेदन आप लोगों से कि हमें, जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता राजस्थान में सभी जगह कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी पूरे मनोयोग से, मनोभावना से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भाई
हनुमान जी बेनीवाल को विजयी बनाए। हनुमान जी बेनीवाल सशक्त उम्मीदवार हैं, लोकप्रिय उम्मीदवार हैं और नागौर जिले के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। हनुमान जी बेनीवाल नागौर मुख्यालय पर निवास करते हैं, जबकि कांग्रेस की पार्टी के उम्मीदवार का मतदाता सूची में नाम ही नहीं है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हनुमान जी बेनीवाल को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाकर एक इतिहास रचे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो हमारे साथ काम कर रही है उनको विजय स्वीकारें। 6 तारीख को टायर के निशान के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन जी मेघवाल बीकानेर के प्रत्याशी हमारे बीच केंद्रीय मंत्री महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं, अपने स्थान पर विराज रहे हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार श्री हनुमान जी बेनीवाल हमारे बीच पधार चुके हैं। कृपया अपने स्थान पर विराज रहे, हमारे बीच शीघ्र ही मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। हेलो, आप बैठिए, बैठ करके और कार्यक्रम का आनंद लीजिए। बोलो माता की, वंदे वंदे हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल तेजाजी महाराज की, भारत माता की। नागौर का एक ही लाल ये बोलेंगे बेनीवाल बेनीवाल, नागौर का एक ही लाल बेनीवाल बेनीवाल, नागौर का एक ही लाल, नागौर का एक ही लाल। नरेंद्र मोदी मैं बोलूंगा, वंदे मातरम, आप कहना जय श्री राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, नागौर का एक ही लाल, भारत माता की। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई हनुमान जी बेनीवाल अपने बीच में पधार चुके हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ समय के पश्चात अपने हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपने बीच में पधारेंगे। मैं नावा के पूर्व विधायक भाई विजय सिंह जी चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि वो पधारे और अपनी बात रखे। भारत माता की। कृपया एक बार अपने स्थान पर विराज जाएं। अभी देखो काफी मात्रा में लोग आ रहे हैं, बाहर सड़कें भरी पड़ी है, मंच के पंडाल के अंदर जो लोग खड़े हैं उनसे मेरा विनम्र भाव से आग्रह है कि एक बार आप अपने स्थान पर विराज जाएं। श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा नागौर जिला अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जी मोदी और श्री रमाकांत जी सारस्वत पधारे और अर्जुन राम जी मेघवाल का साफा और माला पहनाकर हमारे इस मंच पर हार्दिक स्वागत करें। केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल का हमारे इस डीडवाना की धरा पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्री रमाकांत जी आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल का साफा पहनाकर हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नागौर गजेंद्र सिंह जी ऑडेंट आपका दुपट्टा पहनाकर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम सबके बीच में उद्बोधन हेतु तैयार है श्रीमान नावा के पूर्व विधायक विजय सिंह जी चौधरी। राम राम शाह। डीडवाना में आज इस चुनावी सभा में उपस्थित अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदनलाल जी सैनी साहब, नागौर के सांसद और केंद्रीय मंत्री सम्माननीय सीआर चौधरी साहब, जोधपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री सम्माननीय गजेंद्र सिंह जी साहब, बीकानेर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन जी मेघवाल साहब, सभी विधायकगण, सभी पूर्व विधायकगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण उपस्थित, सभी मेरे सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज इस
अपार भीड़ को देखते हुए लग रहा है कि हनुमान जी बेनीवाल लाखों वोटों से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आज पूरे नागौर क्षेत्र के अंदर हनुमान बेनीवाल हो रखा है, तो इसका मतलब ये है कि हनुमान बेनीवाल जी को आपने जीता कर भेज दिया लोकसभा में, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। भाइयों, इस अवसर पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान के अंदर बच्चे बच्चे की जुबा पर सिर्फ एक ही नाम आ रहा है कि मोदी मोदी मोदी, क्योंकि जो मोदी जी के पिछला 5 साल का कार्यकाल था उसके अंदर उन्होंने देश के लिए जो किया वो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। इसलिए जनता फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है और वापस उनको प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाएगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी सभी विधानसभा क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधिगण है, सभी प्रभारी है, वो अपने अपने क्षेत्र से हनुमान जी बेनीवाल को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से जिताकर विजयी बनाएं, यही आप लोगों से इस अवसर पर कहना है। और एनडीए के प्रत्याशी है, इनका चुनाव चिन्ह टायर का निशान है, हमें इससे हर मतदाता को वाकिफ कराना है। चुनाव चिन्ह नया है इसलिए कि भाई हमारा चुनाव चिन्ह फूल नहीं है, एनडीए के प्रत्याशी है, इनका टायर का निशान है, ये विशेष कर बताना अपन को। और इस पर इतना ही कहना चाहूंगा, जय हिंद जय भारत, राम राम सब। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान विजय सिंह जी, पूर्व विधायक नावा। मैं आज के इस कार्यक्रम में हम सबके लाडले केंद्रीय मंत्री आदरणीय सीआर साहब को जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा कि आप पधारें और इस अवसर पर हम सबका उद्बोधन करें आदरणीय श्रीमान सीआर चौधरी साहब। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री मदन लाल जी सैनी साहब, और आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं इस चुनावी सभा के अंदर हमारे बीच में हमारे केंद्र में मेरे साथी और सहयोगी, दो दो सहयोगी यहाँ पधारे हैं, माननीय अर्जुन जी मेघवाल साहब जो कि बीकानेर से भाजपा के प्रत्याशी हैं, माननीय गजेंद्र सिंह जी कृषि राज्य मंत्री जो कि जोधपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, जिनके वोटिंग हो चुकी है, और हम सबके एनडीए के और आप सबके लाडले प्रत्याशी माननीय हनुमान जी बेनीवाल, और मंच पर विराजमान सभी माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण और मंचासीन अतिथिगण, मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, बहनों, प्यारे बच्चों और मीडिया से आए हुए बड़े मेरे मित्रों, दुनिया में सबसे बड़ा प्रजातंत्र का देश भारत है, और इस चुनाव को देखने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां, पत्रकार, जर्नलिस्ट और आए हुए हैं, वो यही देख रहे हैं कि भारत का ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भैया, ये 70वीं लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव के आधार पे भारत का आगे का जो 2022 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने सपना देख रखा है वो पूरा करना है, यानी 2022 तक नए भारत की परिकल्पना कर रखी है और उसको पूरा करना है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप भारत में एक मजबूत सरकार देखना चाहते हैं या कमजोर? मजबूत सरकार देखना चाहते हैं? क्या भारत में ईमानदार और पारदर्शी प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या और किसी प्रकार का? ईमानदार आदमी देखना चाहते हैं। और इसी प्रकार से क्या वो सरकार चाहिए जो बहुत तेज गति से, ईमानदारी से और ज्यादा अच्छा काम करके दे, या निकम्मी सरकार और भ्रष्ट सरकार देखना चाहते हैं? तो ईमानदार और तेज गति से चलने वाली, पिछले 5 सालों के अंदर मोदी सरकार ने जो गरीब कल्याण के काम किए हैं वो आज तक 55 साल के अंदर कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट नहीं कर पाई,
जो हमने 5 साल में किए हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, जो 5 साल में 140 से ज़्यादा योजनाएं लाए हैं, उन योजनाओं के बारे में आपको सबको पता है, और बहुत अच्छी सुंदर योजनाएं जिनके हर व्यक्ति का फायदा हुआ, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे आपका महिलाएं हो, हर यानी गरीब को केंद्र मान के योजनाएं लाए गए थे, और आने वाले समय में हमें वही काम करना है। तो मेरा आपसे ज़्यादा लंबा नहीं, जिले के विकास के लिए आप खुद देखेंगे अपने जिले में खूब विकास हुआ है आने वाले समय में, क्योंकि हमारा कैंडिडेट जुंजारू कैंडिडेट है और अच्छा काम करने की तमन्ना रखते हैं, इसलिए और नागौर में काम होगा। तो मेरा आपसे एक ही आग्रह है, अभी कैंडिडेट वगैरह कोई नहीं देखें, कैंडिडेट हमारा केवल नरेंद्र मोदी जी हैं। 25 की 25 लोकसभा सीटों पे मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान में, ये हमें मानना है और उसी के आधार पे चुनाव यानी मतदान करना है। और 25 की 25 यानी 24+1 25वीं जो है हमारे सहयोगी दल हैं, जुझारू कैंडिडेट हैं, आपके जाने पहचाने चेहरे हैं, तो उनको मत देकर के नागौर की सीट को निकालें, ताकि 25 के 25 ये मत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में पड़ेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है, भाजपा और हमारे सहयोगी दल एनडीए कैंडिडेट्स को मत दें, नागौर में हनुमान जी को जिताएं, टायर इनका जैसा निशान है। तो आप सबसे आग्रह है, कुछ अभी इस चुनाव में भारी विजय से हमारे पार्टी और हमारे सहयोगी दलों को जिताएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा मकराना के पूर्व विधायक श्री रामजी बिचर साहब से कि आप पधारे और 2 मिनट में अपना संक्षिप्त उद्बोधन दे। हाँ, 2 मिनट। हाँ ठीक। बोलो भारत माता की। मंच पर विराजमान सारा जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी का सारा पदाधिकारी बंधु, और सामने बिराजोड़ा पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथियां, माताओं बहना, छोटा छोटा बच्चा। आप लोगों ने मालूम है कि 6 तारीख जो है लोकसभा को चुनाव है, और आप लोगों ने मालूम है कि चुनाव जो है, चुनाव के अंदर आप वोट जो है कुंड देवा और कई कारण देवा, ये बात की आप लोगों ने जानकारी है। आप वोट भी आदमी ने देवा जो को आपने हमेशा बीच के मायने रहे, आप लोगों की, आपने सब लोगों की मदद करे, आप अपनो वोट भी सरकार ने देवा जबकि सरकार अपने क्षेत्र के मान विकास करे, क्षेत्र के अंदर अच्छी तरह शांति रहे, ई बात ने सोच करके आप लोग जो है वोट देवा। बंधुआ, आप लोगों हमारा निवेदन है कि आज देश की वर्तमान के अंदर जो हालात जो है, आ हालात ने देखता हुआ वापस अपने जगह 6 तारीख का जगह वोट देना है। भाई आप लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी और रालोपा दोनों को जो गठबंधन है, आगे जगह अपना उम्मीदवार है अपना हनुमान जी बेनीवाल। आप लोगों ने मालूम है जब सीता जी को जब हरण हुयो और बी के बाद का रावण जब हरण कर लेगो सीता जी को पतो को लाग सको, तो आ सारी जिम्मेदारी कुन ने दी? हनुमान जी ने। और हनुमान जी फिर लंका के मां जाकर के लंका के मां ने लाए लगाई पूरी लंका के मां ने, और पूरी लंका ने जो है बिको तहस नहस कर दियो। और इस तरीके भारतीय जनता पार्टी जो रालोपा जो हनुमान जी बेड़ी वालों जो गठबंधन करियो है, वो गठबंधन ई वास्ते करियो है कई कांग्रेस के मान जो है लाए लगानी है 6 तारीख ने बात है, अपने नागौर जिला के मान जो है इन 6 तारीख को लाए लगा देनी बात है, ताकि कांग्रेस को कटे नाम निशान नहीं रहे। आप लोगों ने मालूम है देश आजादियों ने आज 71 साल होगा, लेकिन 71 साल के अंदर ज्यादातर राज कांग्रेस करियो, और कांग्रेस हमेशा वोट कई कारणों लिया, एक ही बात कि मैं जो है गरीबी मिटा देवा, लेकिन कांग्रेस सरकार जबकि एक गरीबी तो कौन मिटा सकी, लेकिन बात खुद मिटकी बात है, इनको दो राय नहीं है बात है। इस वास्ते मारो आप लोगों निवेदन है कि आप लोग जो है अपने देश के अंदर प्रदेश के अंदर आज जो 5 साल के अंदर जो विकास कार्य हुए वो आप लोगों को छुपड़ो नहीं है बात है। आज पूरा देश के अंदर आज सड़का को जो जाल बिछी जो है, और सड़का को जाल विशेष तौर डीडमण और मकड़म जिसे बिछी जो है विशेष तो कटेगुन बिछी जो बात है, यही बात की आप लोगों ने जानकारी है।
और एक जो पानी की बहुत बड़ी समस्या नागौर जिला के अंदर ही आज भी को समाधान जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी करियो, जिसकी वजह आज बड़ा बड़ा शहर के अंदर जो है नहर को पानी पहुंच गयो और छोटा छोटा गांव कस्बा ढाणिया के मां जो है पानी पहुंच पा की तैयारी है। इस वास्ते मारो निवेदन है बंधुआ, मैं आप लोगों ने एक छोटो सो चुटकुलो बताऊं, मैं आज आप मकान या बाड़ो बनावा अभी के माने जोरदार जोरदार गेट चढ़ावा, और पुराना जमाना के मायने मकान के या बाड़ा के ऊपर जो है गेट हो तो फोगड़ा को गेट अपना मालूम है कि फोगड़ा को झाटो बनाता, और भी झाटा के मायने एक लागती लकड़ी की अड़े अड़ लागती नहीं लागती। एक बार एक किसान के झाटा की अड़ टूट गई, किसान मन के मां खेत के मायने चारों तरफ घूम करके देखियो अड़ की वह बस सीधी लागे बाकी टेडी कौन लागे, किसान खेत के मायने चारों तरफ घूम कर देखियो कटे सीधी खेजड़ी कौन ला दी। तो एक किसान जो है आप लोगों ने मालूम है कि जब देवता को स्थान हुए ना बटे खेजड़ी रिया करे, किसान खेत के मायने देखियो बालाजी की खेजड़ी के सामने ये सीधी खेजड़ी, लेकिन बालाजी की खेजड़ी देवता ही खेजड़ी को काटा नहीं करे, लेकिन खेत के मायने दूसरी खेजड़ी भी कोनी। इस वास्ते किसान बालाजी के सामने हाथ जोड़ और विनती करी के बालाजी महाराज तन तो चाहिए खेजड़ी मन चाहिए अड़े सीधोड़ी मुंह निकल बाकोड़ी मर जाए तो थारो काम भी उजार मारो काम भी उजार बाता है। इस वास्ते आप 6 तारीख ने जो है भाई हनुमान जी ने टायर का चिन्ह पर भारी संख्या बोर्ड दे करके और दिल्ली पुकाना है। धन्यवाद, जय हिंद। वक्ताओं से निवेदन है कृपया अपनी बात 2 मिनट में रखें, हमारे पास समय कम है, वक्ता अधिक है। अभी हम सबके बीच में लाडनों से रालोपा के प्रत्याशी रहे श्री जगन्नाथ जी बोडक से निवेदन है कृपया मंच पर आए और अपनी बात हम सबके सामने सम्मुख संक्षेप में रखें। आपके बाद डॉक्टर मंजू बागमार जी आप तैयार रहे, बोडक जी के बाद आपका उद्बोधन होगा, संक्षेप में बात रखें, वक्ता अधिक है। मंच पर विराजे हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय सैनी जी, केंद्रीय मंत्री सी आर साहब, गजेंद्र सिंह जी, सम्मानित मंच, नागौर जिले के दूर दराज से पधारे हुए सम्मानित किसान भाइयों, युवाओं और साथियों, आने वाली 6 तारीख का भारत की लोकसभा को चुनाव है और भी चुनाव में आपनों एक एमपी नागौर जिले से चुन सिया, लेकिन वो चुनाव एक अलग तरह को चुनाव है। हमेशा आप एक ही बात ने ध्यान रखकर चुनाव करा कि आपनों एमपी क्याण को है, पर इस बार अपन आ बात भी ध्यान रखकर एमपी चुनना है कि भाई देश को प्रधानमंत्री कौन बने। अपन सब लोग अटाया जगह विचार बना रहे हैं कि भाई देश की जगह आज की हालात है, आज की आवश्यकता है, आज की जगह देश की अंदर और बाहर की स्थिति है, इन देखता हुआ नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री बने, ये बात में अपन सब सहमत हैं। अपना कैंडिडेट एनडीए का संयुक्त प्रत्याशी भाई हनुमान जी है और अपन एक यान का मजबूत प्रत्याशी है जका ने फोन के सके उपलब्ध हो जावे, रात ने दिन में कणा भी बुलावा, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह कौन करे, और आपने लिए आपने हक की लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस का जगह प्रत्याशी है, तीसरी बार इस जिले में चुनाव लड़ रहा है, सबो पहल पो चुनाव लड़ियो, जन आ बात कही कि मारी कोई जानकारी को नहीं, मारे दादाजी किसाना का नेता है, मैं बाके ना हूं वोट मांगू आप मन वोट दीजो, और वास्तव में बन किसाना का नेता अपा मानता वोट दिया जिताया। दूसरी बार क्यों मैं मारे काम और मारे नाम हूं वोट मांगू, दोबारा मैं आपके काम हूं और आपके नाम हूं वोट मांगा, जना कहीं रिजल्ट रियो वो आप सबके सामने अपन सब ने ध्यान है। अब की तीसरी बार पतोगो ने की बात का वोट मांगे, आपके नाम का मांगे या दादाजी के नाम का मांगे या उसके राहुल जी ने प्रधानमंत्री बनाने का मांगे, ये बात को हल अपने खुलासो को नहीं, पर गांव में मैं जावा जटा के वे
के भाई मैं आठा की बेटी हूं, मारो मायरो भर दीजो। पर आपा का जो मायरे को कायदो है, मायरो एक बार ही भरियो जावे और वो इज्जत भरियो जावे जब पीर आला थोड़ा संबंध चौका हुआ है। और पीर में आपकी पांती नहीं रखे, पांती को हक त्याग कर दिया जना मायरो भरी जाए। बे पीर में भी आपनी पांती लेवे, आपनी सीट लेवे और अपांग ना मायरो ही भरावे, आ बात बैठे को नहीं। लोकसभा चुनाव की टिकता की बात ही जी टाइम नागौर जिले में काफी लोग दिल्ली जाहिर कह रहा कि भाई अब के मायरे को संस्कृत मांगन है को नहीं, ते टिकट लेर मत आई जो ना। लेकिन भाई टिकट तो एक हरियाणा के जोर हूँ टिकट लेर नागौर आ गया, पर वोट हरियाणा का कौन लागे? वोट आपन सब मिनक बैठे हैं, नागौर जिले का अपना वोट लागी। और हरियाणा वो टिकट लिया था तो 10 सीटा तो हरियाणा में ही, अपनी सीट में क्यों पांती गाली? पण बटे भी एक छोटो लपड़ो है के बे सासू जी है अपना ब्याण जी, बे तो बड़े बीजेपी क्यों चुनाव लड़े और कांग्रेस लड़े? तो आ बात आजकल बैठे को नहीं, सबकन मीडिया है, सबकन हर तरह की जानकारी है, तो वो मामलो भी बट बैठ तो को नहीं दिखियो। तीसरी बार मायरो भरण को कायदो को नहीं आप भर दियो, अब की बार तो आपनो अतो ही कायदो बने के दो तीन टाबरा ने भेजर बन पाटे उतार दियो, वो अपनी जिम्मेवारी है। अब वास्ते आने वाली 6 तारीख ने ज्यादा संख्या अपनी नागौर सीट ज्यादा वोटा जीते ही बात को ध्यान रहा कर। लारा जकी बीबीसी बुलाई है, बिन बोला दिन हो गया, अब के एक बार बीबीसी और बुला दीजो। इन शब्दों के साथ आप लोग धूप में पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। लालनू के पूर्व विधायक ठाकुर मनोज सिंह जी साहब, दो तीन गाड़ियां खड़ी है स्कॉर्पियो, वो रास्ते के बीच में आरजे 37, 12, 34 कृपया कार्यकर्ता की तो तुरंत हटाए। 37 स्वतंत्र, आरजे 21 वो भी तुरंत हटाए। माननीय ठाकुर मनोहर सिंह जी साहब थोड़ा साइड में हो जाओ। आज की सभा में पता रहे आपने अध्यक्ष श्री मोहम्मद सैनी साहब, आपने केंद्रीय मंत्री श्री राम जी मेघवाल साहब, श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, श्रीमान सी आर चौधरी साहब, सम्मानित मंच और सभी बुजुर्ग भाया, आपने आगे बढ़ी 6 तारीख ने लोकसभा का चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आपना उम्मीदवार बेनीवाल जी है, मैं बेनीवाल जी ने मैं चित्रों जानूँ कि बरसात विधानसभा में रेड है, विधानसभा में बहुत जरूर काम कर रहा है। कई बार इसी स्थिति आ जाती कि विधानसभा की कार्रवाई बंद करनी पड़ी बीती आता है। आप लोगों का निवेदन है, दूसरा नेता अपने बीच में है, अपन छोड़ना बनी है, अपन आप लोगों का निवेदन है। और दो तीन कार्यक्रम लाडनू में हो, लाडनू में रात 2 बजे तक मीटिंग चल रही, बहुत सहयोग मिली इसी लोगों को। आप लोगों निवेदन है, वोट दे रहा होता कि हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरता की लोकप्रिय आरोप विधायक श्रीमती इंदिरा बावरी जी आए और जनता से राम राम करें। श्री इंदिरा बावरी जी, आप सबने राम राम सा, और मंच पर विराजमान सबने मारा हार्दिक अभिनंदन, और टायर को चीने हनुमान जी को, और बोर्ड देनु है ज्यादा ज्यादा जीताणु है, और मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनानु है, और हनुमान बेनीवाल भारत माता की, भारत माता की। जाहिल की पूर्व लोकप्रिय विधायक मंजू बागमार जी, राम राम सा। भारतीय जनता आज इस चुनावी सभा के अंदर मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष
आदरणीय मदनलाल जी सैनी साहब, नागौर जिले के विकास पुरुष, और हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री आदरणीय सीआर चौधरी साहब, और बीकानेर से पधारे हुए केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल साहब, जोधपुर से पधारे हुए केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, सभी सम्मानित मंच पधारे हुए विधायकगण, पूर्व विधायकगण, और सभी दूर दूर गांव और ढाणियों से पधारे हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं, माताओं बहनों, पत्रकार बंधुओं, सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, आज आप सब लोगों से बड़े उत्साह जोश के साथ में जो आज यहाँ पर आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल की चुनावी सभा के अंदर जो यहाँ के एनडीए प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल को अपने को आने वाली 6 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना, उनका समर्थन करना है, सहयोग देना है, और टायर का जो निशान है उसे याद रखना है। आदरणीय बेनीवाल जी खिंसर से 3 बार विधायक रह चुके हैं और हमेशा नागौर जिले के मुख्यालय पर हमेशा उपलब्ध रहते हैं। भाइयों और बहनों, पिछले 5 सालों के अंदर जो आपने केंद्रीय मंत्री आदरणीय सीआर चौधरी साहब के कार्यकाल के अंदर जो नागौर जिले का विकास हुआ है, चाहे वो कृषि विद्यालय हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, और चाहे आरओबी का निर्माण हो, नागौर जिले को जो इन्होंने विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, और यदि हम राज्य की बात करें तो आदरणीय वसुंधरा जी ने नागौर जिले की सबसे पुरानी समस्या हमारे पीने का पानी जो हमें उपलब्ध करवाया है, यदि ये सब कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुए हैं, मेरा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और अपने यहाँ से नागौर जिले का भी उसमें अधिकार होना चाहिए। 23 साल बाद में हमारे आदरणीय सीआर चौधरी साहब को यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी ने से मंत्री बनाया था और नागौर जिले पर गौर हुआ था, उसी चीज को हमें दोबारा दोहराना है और नागौर जिला को सिर होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी बाणी यदि आपने नागौर जिला के ऊपर गौर हुई। धन्यवाद। जय हनुमान जी बेनीवाल के साथ में जो गाड़ियां ये कार्यकर्ताओं से निवेदन है वो हटा दें। मेरे साथ जो भी गाड़ी आई है उनको हटवाओ, गाड़ियों को साइड के अंदर, सब गाड़ी पे पहुंचो अपने, हटवाओ गाड़ियों को साइड से। केंद्रीय मंत्री बीकानेर से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अर्जुन राम जी मेघवाल, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो पधारे और अपनी बात रखे। भारत माता की वंदे। माननीय मेघवाल साहब, भारत माता की। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी सैनी और हमारे यहाँ के प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के और मेरे परम मित्र हनुमान जी बेनीवाल और सम्मानित मंच, मैं 2-3 आपसे नारे लगाऊंगा, मैं कुछ बोलूंगा, आप बाद में बोल देना, मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, कल एक बड़ी खबर आई, आपको सबको पता है, और 6-8 महीनों से उसकी तैयारी चल रही थी। जैसे मोहम्मद का सरगना ध्यान आ गया, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित हो गया, मोदी है तो कितना बड़ा काम हुआ है भाई साहब, कल्पना नहीं कर सकते आप। चाइना जैसे राष्ट्र को समझाना, वह लोकतंत्र नहीं है, इसलिए चाइना जैसे राष्ट्र को समझाना, उसको मनाना, सुरक्षा परिषद में जो लोग वीटो का अधिकार रखते हैं उनको एकमत करना, और फिर ऐसे सरगना को अंतर्राष्ट्रीय आतंक की घोषित करना, ये खाली मोदी ही कर सकता है, इसलिए मोदी है तो। अब आप योजनाओं की बात करें, सीआर चौधरी साहब कुछ योजनाओं का जिक्र कर रहे थे, आपने देखा होगा कांग्रेस के जमाने में इंदिरा आवास में 2-3 मकान बनते थे, ₹40,000 तीसरी किस्त आते आते कई साल लग जाते थे, अब आपके हर गांव में कहीं 200, कहीं 300, कहीं 400, कहीं 500 प्रधानमंत्री आवास के मकान बन रहे हैं, गांवों की इकोनॉमी में चेंज आ रहा है, ये मोदी है तो। देखिए, कांग्रेस के जमाने में एक ढाणियों में कनेक्शन देने की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना होती थी, कनेक्शन नहीं होते थे, कभी 20,000 जमा कराओ, कभी कहते थे 2 पोल से ज्यादा पोल नहीं देंगे, कितनी तरह की कॉम्प्लिकेसी,
और आदमी भटकता रहता था, लटकता रहता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक फैसला हुआ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आई, गांव गांव और ढाणी ढाणी कनेक्शन होने लग गए। भाई साहब मोदी है तो है ना, मोदी है तो देखिए, डोकलाम में भारतीय सेना और चीन की सेना आमने सामने हो गई थी और मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा, इसलिए मोदी है तो। पाकिस्तान में उरी में और पुलवामा में कुछ ऐसी हरकत की जिससे आतंकवाद को लगता बढ़ावा मिले, लेकिन वो भूल गए कि इस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। इन दोनों आतंक की जो उन्होंने कार्रवाई की थी कायरतापूर्ण पाकिस्तान ने, उन दोनों का जवाब दिया, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, इसलिए मोदी है तो। देखिए अभिनंदन, अभिनंदन गिर गया था, लेकिन मोदी जी ने कहा इसके खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान को यह निर्णय करना पड़ा कि हम उसको सुरक्षित भारत पहुंचाएंगे। ये बड़ी कूटनीतिक विजय थी भारत की, इसलिए मोदी है तो। ऐसे देश का मान और सम्मान बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी। देखिए चुनाव उन्हीं का ही है, हमारे यहां से नागौर से मेरे मित्र हनुमान जी बेनीवाल प्रत्याशी हैं। ये 17वीं लोकसभा के चुनाव हैं, ये 17वीं लोकसभा के चुनाव ये तय करेंगे इस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन। मैं आज आपके बीच में हनुमान बेनीवाल जी के लिए वोट मांगने आया हूं। मेरा हनुमान बेनीवाल जी से, जब ये छात्र संघ के अध्यक्ष थे, मैं चूरू में कलेक्टर था, तब से मेरा रिश्ता है। और मैं कहना चाहता हूं कि हनुमान जी को आप जिताइए, हम भी बीकानेर से आपकी कृपा से और आपकी बीकानेर की जनता की आवाज आप सुन रहे होंगे, हम भी संसद पहुंचेंगे, हनुमान जी यहां से पहुंचेंगे, बीकानेर और नागौर के विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। मोदी है तो, मोदी है तो। इसलिए 6 तारीख को आप अपना मतदान हनुमान जी के पक्ष में करें और आपको मैं गारंटी देता हूं कि जिस तरह से हनुमान जी ने नागौर की सेवा की है, आगे भी करते रहेंगे। राष्ट्रीय राजनीति में भी हनुमान जी की जरूरत है, राष्ट्रीय राजनीति में हनुमान जी की। और जब मोदी जी सारी व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे और राम राज्य लाने की ओर बढ़ेंगे, तो बिना हनुमान जी के संभव होगा क्या भाई साहब? इसलिए आपसे अनुरोध, अधिक से अधिक मतदान करके हनुमान जी को जिताइए और यही अपील करने में आपके बीच में आया हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल साहब। अगले वक्ता के रूप में मैं निवेदन करूंगा हमारे लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। जोरदार तालियों के साथ आपका डीडवाना की इस आभा नगरी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब पधारे। हाँ, इस माइक को चेक भी करना है। भारत माता की, भारत माता की। ठीक ठीक, मैं कर लियो, सोच मत करो। बोलो भारत माता की। देखो भाई, मैं हनुमान जी मारे कालजारी कोर है और मारे हनुमान भाई री धरती हूं, एडी मुर्दी आवाज आवे हमारे बिल्कुल पसंद नहीं आवे। बोलो भारत माता की। बोलो वीर तेजा जी महाराज की। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बोलो राम सा पीर की।
बाबा भगत शिरोमणि मीरा बाई की, बाबा बाबू धनी की, बोलो लक्ष्मीदास जी महाराज की, और बोलो भाई सब नागौर वाला री थे भाई मारे बोटेश्वर महादेव जो बोट देवे वो बोटेश्वर महादेव इन वास्ते थारी सबरी बीजे दीड़ बनारी इन सभा में मंच पर बिराजोड़ा हिंदी में बोलूं मारवाड़ी में भाई मंच पर बिराजोड़ा मारे भारतीय जनता पार्टी रा मुखिया प्रदेश रा अध्यक्ष आदरणीय मदनलाल जी सैनी भारत री सरकार में माननीय मोदी जी री सरकार में मारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सी आर चौधरी साहब मारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय अर्जुन राम जी इन मंच पर बिराजोड़ा और मंच रे दाहिने और बाएं दोनों तरफ बिराजोड़ा भारतीय जनता पार्टी रा सारा वरिष्ठ नेता जनप्रतिनिधिगण और मारे कालजारी कोर हनुमान बेनीवाल जी और इन देवतुल्य सभा में बिराजोड़ा सारा पिता तुल्य बुजुर्ग और इन धरती ने धरती री धमकों पूरा नागौर जिला रो एहसास पूरा हिंदुस्तान में कराउन वाला मारा सारा युवा साथियों आप सब रो में खूब सारो अभिनंदन करूं खूब आभार ज्ञापित करूं। अब आर सब वक्ता मोदी जी रा राज री मोदी जी रा विकास री योजना वाली बात करता मैं आज योजना वाली विकास री बात नहीं करूं न मैं बात करूं कि कितना घर बनिया कितना घर में बिजली लागी की के शौचालय बनिया कितना घर में बैंक रा खाता खुलिया और सामान्य आदमी साधारण आदमी रे जीवन में कितो परिवर्तन आयो इरी भी बात आज मैं नहीं करूं क्योंकि वो चुनाव इन देश री अस्मिता रो इन देश री सुरक्षा इन देश री संपन्नता और समृद्धि रो चुनाव है इन देश का 134 करोड़ आदमी अरे स्वाभिमान रो चुनाव है। आज मैं विकास री बात नहीं करूं मैंने आभार जब मैं चुनाव लड़तो अब को चुनाव हो राजस्थान री पूरी सरकार रे सामी चुनाव लड़ रही हो और राजस्थान री सरकार रे सामी जब चुनाव लड़ रही हो हिंदुस्तान रा सारा पत्रकार बैठे आता मैं वहां पत्रकार मेरे पूछियो कि दिल्ली री सरकार मोदी जी रो राज बढ़िया पछे पांच कोई बढ़िया काम होया बे बताओ मैं वहां ने क्यों कि पांच री जरूरत कोनी मैं पूरा इंद राजस्थान में घूमियो विधानसभा चुनाव रे टाइम में भी घूमियो और अबार लोकसभा रा चुनाव में मारे जोधपुर लोकसभा रा एक एक गांव में गियो मैं टाबरा हूं पूछियो मैं बढ़ेरा बुजुर्गा हूं पूछियो बूढ़िया हूं पूछियो मैं महिलाओं हूं पूछियो कॉलेज में पढ़ने वाला हूं बात करी रोजगार हूं बात करने वाला हूं बात करी बेरोजगार हूं बात करी किसान हूं बात करी मजदूर हूं बात करी और आज इन डीड बनारी धरती पर नागौर हूं कोना कोना हूं आयोड़ा आप सब लोग बिराजे हो आप सब ने भी वही बात पूछ रही हो कि ये माते हाथ रखो और आप रा भगवान ने साक्षी मान और अगर आपने लागे कि मोदी जी रो राज बनिया पछे इन पांच साल में हिंदुस्तान रो इन धरती रो इन भारत माता रो मान पूरी दुनिया में अगर बढ़ियो है तो भगवान ने साक्षी मान और मोदी जी ने आशीर्वाद करने वास्ते दोनों हाथ ऊंचा कर दो पूरा हिंदुस्तान राजस्थान में मारे पूरा मारवाड़ में जोधपुर में मैं जठे भी जार बात करी एक एक आदमी मोदी जी ने आशीर्वाद दियो कई कांग्रेस रा लोग भी भीड़ में सभा में उबा मैं जदवा ने पूछो तो भीड़ में वे एक बार डावे देखे एक बार जीवने देखे कोई वीडियो वालों फेसबुक वालों नहीं दिखे कि कांग्रेस रो कोई दूसरो आदमी नहीं करे छाने क्यों धीरे वे भी हाथ खड़ा कर दे आज पूरो देश नहीं दुनिया इन बात में मान रही है कि हिंदुस्तान रो मान मोदी जी पूरा पांच साल में पूरी दुनिया में बड़ा उन्नो काम करियो और केवल इन एक पात्र वास्ते हिंदुस्तान आज पूरा मोदी जी रे लारे खड़ो है
मैं पत्रकार ने क्यों कि दूसरी बात पूछने की जरूरत को नहीं के बोलो एक काम हनुमान जी एक गदा सबरे माथे भारी है। एक तरफ भारत रो मान बढ़ाने वाला लोग है इन संकल्प रे साथ है कि ये देश नहीं झुकने दूंगा ये देश नहीं मिटने दूंगा सौगंध मुझे इस मिट्टी की ये देश नहीं बटने दूंगा। इन सौगंध रे साथ देश रो मान बढ़ाने वाला लोग है और दूसरी तरफ राष्ट्रद्रोह रा कानून ने समाप्त करने की घोषणा आपरा घोषणा पत्र में करने वाला लोग है। मैं गांव में बात करता हूं राष्ट्रद्रोह रा कानून रे मैंने एक गांव रो बुजुर्ग आदमी उबो और पूछो कि वो राष्ट्रद्रोह रो कानून कद लागे मैं बाने कियो कि 134 करोड़ लोगों ने हिंदुस्तान रो मान बिंदु जिन्हें शपथ ले और देश रा वर्दी में रहने वाला है पुलिस वाला हो चाहे फौज रा सीमा पर खड़ा सिपाही हो चाहे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस रा लोग हो जो सुबह शाम देश रक्षा री शपथ लेवे स्कूल में पढ़ने वाला टॉपर इन हिंदुस्तान रो मान बढ़ाने वास्ते जिंदगी जो अपारे रोज शपथ लेवे प्रार्थना में सभा में खड़ा हो उन तिरंगा झंडा रो अगर कोई डीड बना रहा चौक माते खड़ो और अपमान करे कोई तिरंगा झंडा ने जूता रौंदे तिरंगा झंडा ने कोई ला लगा उन बात करे तो उनने माते राष्ट्रद्रोह रो कानून में मुकदमो दर्ज होवे। कोई हिंदुस्तान ने तोड़न नहीं बात करे बांटन नहीं बात करे भारत रा मुर्दाबाद रा नारा लगावे और देश रा दुश्मिया रे वास्ते जिंदाबाद रा नारा लगावे तो वर मास्ते राष्ट्रद्रोह रो कानून में मुकदमो दर्ज होवे। हिंदुस्तान ने तोड़न नहीं बात करे पुलवामा में आने वाला आतंकवादियों ने खुदरे घर में पनाह देवे राखे वाने मोबाइल री सिम दिरावे खुदरा नाम हो वारो आरडीएक्स लाउन में मदद करे वाने गाड़ी घोड़ा संसाधन उपलब्ध करावे और आप री गाड़ी में ले जा और उन सीआरपीएफ री वैन टकरावे और 40 सैनिका ने रचो है वो मारन नो काम करे वारे विरुद्ध राष्ट्रद्रोह रो मुकदमो दर्ज है। आज नागौर इन धरती री राजस्थान री राजनीति रो केंद्र है। मैं आज आप लोगों ने पूछना चाहूं कि आज फैसलो आप रे हाथ में है आप राष्ट्रद्रोह या रे साथ खड़ा होने वाला लोगों ने समर्थन करने वाला हो यानी धरती रा मान बढ़ाने वाला लोगों ने साथ खड़न वालो आज निर्णय आपने करना पड़ी उत्तर आपने करना पड़ी। एक तरफ साधारण मानवीय जीवन में परिवर्तन लाने वाला लोग है और दूसरी तरफ एक परिवार री प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला लोग। अब आदरणीय अर्जुन राम जी आप लोगों ने क्या अपने सामने बात करता और कहता मोदी है तो मुमकिन है जो कुछ नहीं कियो जो कुछ नहीं कियो वो सब कर मोदी जी दिखायो कदे आपने वादो नहीं करियो मोदी जी कि राफिज सईद ने हिंदुस्तान में लाऊला कदे आपने वादो नहीं करियो कि हिंदुस्तान रा हर घर में बिजली पुगाऊला कदे आपने वादो नहीं करियो कि हिंदुस्तान रा हर घर में शौचालय बनाऊला कदे आपने वादो नहीं करियो कि हिंदुस्तान रा हर घर में बैंक रो खातो नहीं खुलाऊला लेकिन जो नहीं करियो वो कर दिखायो। और दूसरी तरफ धोखेबाज सरकार है। भई आप सब किसान आदमिया आपने याद दिला हूं पाछी विधानसभा रो चुनाव राहुल गांधी जी अशोक गहलोत जी सचिन पायलट साहब घूम घूम और भाषण देता और आपने एक उन 10 तक की गिनती सिखाता 1, 2, 3, 4 के 10 दिन में कर्जो माफ कर दो। मैं एक दिन कांग्रेस रहा एक नेता मैंने हवाई जहाज में मिल गया मैं वहां पूछियो मैं भाई थे सीधा ही कह दो नहीं कि 10 दिन में कर्जो माफ कर रहा हम उड़ो कर्जो माफ कर रहा थे आ 10 तक की गिनती क्यों सिखाओ तो वो क्यों कह रहा हमारे राहुल गांधी जी इंग्लैंड में पटियोड़ा है बाने लागे के धोतिया वाला और पोतिया वाला जो साफ वाला है आने कहीं 10 तक की गिनती डंगू आवे को नहीं आवे इन वास्ते पूरी गिनती बतावे 10 तक की गिनती बताई आपने के 10 दिन में संपूर्ण कर्ज माफ कर रहा जो ही राज में आया और राज में आता ही 99 सीट रो जिन दिन रिजल्ट आयो उन दिन कह दियो कि 2 लाख तक रो कह रहा 2 लाख तक रो बात करने बाद में कई दिन ताई बाने झगड़ पड़े हो मुख्यमंत्री कौन बनी हो तय नहीं हो जिन दिन मुख्यमंत्री ने शपथ ली उन दिन क्योंकि कोऑपरेटिव रो माफ करा और कोऑपरेटिव रो माफ करता करता बाद में जिन दिन करण नो मौको आयो उन दिन क्योंकि जो डिफॉल्टर है उनको कर मैं गांव में पूछो मैं भाई वो डिफॉल्टर कौन वे तो मैंने कोई बताया कि जो चोर वे उन्हें डिफॉल्टर के
अब बताओ आपने कर्जो माफ कराना तो आप चोर बना गई। मैं आज इन बंचों खड़ो और कह रही हूं कि राजस्थान लोग किसान स्वाभिमानी किसान है और इन वास्ते एक भी आदमी आप इतनी सभा में अटे बिरा जाओ, एक भी आदमी खड़ो और बता दे कि मारो 2 लाख तक रो कर्जो माफ हो कहीं कोई वह तो भाई कह दीजो एक बार हाथ ऊंचो कर। राजस्थान रा किसान रे साथ धोखो करियो और आगे एक और धोखो करियो है कि कोऑपरेटिव में अब 1 रुपया रो भी आपने लोन आगे जो है ऋण नहीं मिल सके, आगे ऋण मिलन नो खातो बंद कर दियो। राजस्थान रा किसान रे साथ धोखो करियो, राजस्थान रे युवाओं रे साथ धोखो करियो कि मैं 3500 रुपया देवा आज एक भी युवा नहीं ला दियो मैंने पिछला 1.5 महीना में जो कह के मारे खाता में 3500 रुपया आया। किसान रे साथ धोखो करियो, युवा मेरे साथ धोखो करियो, आम आदमी रे साथ धोखो करियो कि मैं बिजली रो बिल नहीं बढ़ावा 37 पैसा पर यूनिट पहला महीना में बढ़ाऊ बढ़ा और किसान रे साथ कोई अत्याचार करियो तो आ कांग्रेस री सरकार करियो। अब मैं आपने एक बात पूछू कि एड़ो धोखो देर जो लोग राज में आया है वह राज में रहने का अधिकार है कहीं? देखो भाई लोकतंत्र में अगर नहीं है तो सच ने सच और झूठ ने झूठ, हां ने हां और नहीं ने नहीं पूरी ताकतों कहना पड़े। आप ताकतों नहीं कियो इन वास्ते 70 साल में 55 साल तक इन हिंदुस्तान का विरोधी लोग राज करियो है। पूरी ताकतों बोलो कि धोखेबाज आदमी ने, धोखेबाज पार्टी ने, धोखेबाज शासन, धोखा शासन मारा ने इन राज में रहने अधिकार है कहीं? जो धोखाकार इन राज में आया उन पार्टी ने आप वोट मांगने अधिकार है कहीं? जो पार्टी धोखो देर राज में आई उन पार्टी ने पाछा आप रहते राज में वोट मांगने आवे तो आप उन्होंने वोट देना कहीं? और अगर कोई आ जावे भाई हिलियोड़ी मिनी बिल्ली एक बार दूध पी जावे और दूसरी बार हिली हिली पाछे आवे जना आप कहीं करा? मोदी जी रो केड़ो है कि मोदी जी कह मैं चौकीदार हूं, आप सब जना इन नागौर रहा और जितना जना बैठा है सब आप आपरी पंचायत रहा आप आपरा बूथ रहा चौकीदार बन रही जो आप बुलाउन दे उन्हें आप लोगों ने आयो ए झूठ रहा पुलिंदा ले रहा वेला। अब आर एक और लाया है 72,000 रुपया रो फड़ंगो, आप जो है 72,000 रुपया रो एक और फड़ंगो ले रहा है, एक और अड़ंगो ले रहा है, ए झूठ रहा जनरेटर है कई तरह रहा तमगा राज रहा आपरे कने ले रहा वेला पर चौकीदारी पुख्ता राख जो आ एक और बुढ़ावना आपने देवन आयो। ओ जो देश है इन देश ने आप सबरा बडेरा बड़ी मुश्किलों माथा दे दे रखे 36 कोमरा लोग अठे बैठा है आपारा सबरा बडेरा पीढ़ी दर पीढ़ी माथा जी आ जाए तो हिंदुस्तान बचियो। आपारे साथ जितनी सभ्यता संस्कृति वह सब सभ्यता और संस्कृति समाप्त होगी आपारो देश इन वास्ते बचियो कि हर पीढ़ी में आपारा बडेरा माथा दिया। अब जिन देश ने बडेरा माथा दे देर बचायो उन देश रो मान बढ़ाउन नो मौको आयो है और आप सिर्फ माथा जोड़ वो मात जो है वो मान बढ़ा सका। और मैं आज इन मंच माथे खड़ो और धन्यवाद दे रही हूं हमारे भाई हनुमान बेनीवाल रो इन्हों अभिनंदन करो कि 4 लोकसभा रा टिकट और मंत्री पद इन तरह रा लालच देता लात मार ठोकर मार क्यों कि मैं हिंदुस्तान री तकदीर बदलन इन चुनाव में एनडीए रे साथे खड़ो रहे भारतीय जनता पार्टी रे साथे खड़ो रहे अभिनंदन करूं आज यहां रोटे आप लोग सब रक्षा में खड़ा हो। लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ वास्ते कई लोगों की दुकाना बंद हो रही है, कई लोगों की दुकाना जो राजस्थान री राजनीति में वो जो नया अध्याय शुरू हो जिन तरह आप साथ और काम करना शुरू होया कई लोगों की दुकाना बंद हो रही है, कई लोगों का शोरूम रहा दरवाजा बंद हो रहा है, वे कई लोग कड़पड़ाट करेला ऊंदा ऊंदा बाजो है वे बातें करेला पर इन देश रो मान बढ़ाओ लो जो चुनाव है इन धरती माता रो मान बढ़ाओ लो जो चुनाव है इन भारत माता रो चुनाव मान बढ़ाओ लो चुनाव है इन चुनाव में जिन देश रो मान आपारा बडेरा माथा दे दे राख्यो उन देश रा चुनाव में आपने सबने माथा जोड़ना पड़ी माथा एक 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 माथा जोड़ना पड़ी। और मैं आज आप लोगों ने आई विनती करने आयो कि सारी बात अगर कटे कोई कमी बेसी पूर्ति रहेगी होला जब धरती माता रो हेलो हो तो आपारा बडेरा पुरानी बात नई बात कोनी गिनता सब लोग आपरे कने जड़ा साधन संसाधन है हर जाति समाज रा लोग हिंदुस्तान री धरती रो मान रखने वास्ते सब लोग एक साथ खड़ा होता।
आज वही पर वापस स्थिति है। वो देश पुकार रहे है और भारत माता री पुकार है, और भारत माता री पुकार माता इन धरती में जायोड़ो जो भी आदमी है इन धरती पर निप जोड़ो है के कन्ने लो दानो जिनने पेट में गिड़ो है। हर एक आदमी ने पुरानी बात खत्म कर और केवल एक धन कि इन भारत रो जय जयकार करने वास्ते, इन मां भारती रो जय जयकार करने वास्ते हर एक आदमी ने साथ उभो होना पड़े। आ बोलावना आपने देवन आयो आपने तीन दिन रो टाइम है आपारा बडेरा माता दिया आपने सिर्फ टाइम देवनी जरूरत है। एक एक क्षण आज ले संकल्प करो इन बात रो दोनों उठा हाथ और मुट्ठी बांध और संकल्प करो इन बात रो कि आज इन सभाओं जावन ने बाद में एक एक घर एक एक बाड़ो बजावा एक भी क्षण जो है बाकी जो है इन इन चुनावों बाकी नहीं रखा। और हमारे इन टायर वाली पार्टी राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी रा भाई हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी रो कमल इन टायर माते बिठावा और सीधो नेशनल हाईवे जो मोदी जी गडकरी जी बनाया है और नेशनल हाईवे पर सीधो जो है सरपट दिल्ली पुगावा। पर उनने वास्ते आप सब ने आज दो 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 तारीख को ले और छह तारीख रात शाम रात छह बजे तक नींद और रोटी दोनों छोड़ और 24 घंटा लगातार आपने काम करना पड़े, लगातार चौकीदारी करनी पड़े। और आप सब एक हो, एक राय एक मन एक मुखी और आप सब काम करा। भाई देखो मैं एक बात आज इन डीडवाणाओं कह रही हूं कि चुनाव हनुमान बेनीवाल नहीं लड़ रहे हैं, इन चुनाव डीडवाणा में नागौर में गजेंद्र सिंह शेखावत खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अगर कटाई भी कमजोरी रहेगी कोई भी तरह की कमी कमजोरी रहेगी तो मारी जो है हनुमान बेनीवाल ने नहीं कटेला पहली मारी नाक कटेला। आप बोला उन देवना आप लोगों ने बीच में आयो पूरी ताकत रे साथ खड़ो होना पड़ी और एक हो और आप सब चुनाव लड़ा। आप अगर एक हाँ तो हिंदुस्तान री कोई ताकत नहीं झुका सके। मारे सामी तो पूरी राजस्थान री सरकार चुनाव लड़ रही है। मैं और हनुमान जी दोनों भेड़ा होया तीन जगह ओंकार करी और राजस्थान रो मुख्यमंत्री जो है वो जोधपुर छोड़ फिर दिल्ली में जा रुकियो। राजस्थान री राजनीति में नयो जो है अध्याय शुरू हुए है। राजस्थान री राजनीति में वापस वही दिन आया है जब कालवी साहब और नाथुराम जी एक और इन राजस्थान री पश्चिमी राजस्थान री राजनीति ने चलाई। मैं आप आशीर्वाद दो, मैं आपने भरोसा और विश्वास दे रहा हूं कि कतई बात में फर्क नहीं आवे, कतई दो आंखिया में फर्क नहीं हो सके। अगर कतई कोई बात माते हनुमान जी रे हमारी बात में फर्क आ जावे तो मैं लाख रुपया री साख देवने तैयार हूं। मैं साथ खड़ो रहा हूं, मैं आप लोगों के साथ खड़ो रहा हूं। आप सब लोगों का खूब सारो आभार खूब अभिनंदन। दोनों हाथ ऊंचा करो और दोनों हाथ ऊंचा कर मुट्ठी बींचो है पंजा मत दिखाओ मैंने मुट्ठी बींचो और पूरी ताकत रे साथ बोलो हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। मैं अगले वक्ता के रूप में निवेदन करूंगा हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल जी सैनी से कि आप पधारे। इससे पूर्व जैसा शेखावत साहब ने बताया हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हनुमान जी बेनीवाल का हम स्वागत करना चाहेंगे। श्रीमान बीएल भाटी साहब मेघवाल समाज जिला अध्यक्ष परवसर के पूर्व विधायक मान सिंह जी किमसरिया डीडवाना नगर पालिका की चेयरमैन ग्यारसी देवी जी आप पधारे और हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार श्री हनुमान जी बेनीवाल का साफा पहनाकर माला पहनाकर दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। प्रवीण जी पुरोहित और जितेंद्र सिंह जी जोधा साथ रहे। माननीय योगी जी का हेलीकॉप्टर हमारे बीच लैंड कर चुका है। शीघ्र ही हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय योगी जी पधारने वाले हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन लाल जी सैनी से इस अवसर पर हम सबको अपने उद्बोधन से उत्साहित करें। आदरणीय सैनी साहब भारत माता की। आज के इस जानदार शानदार सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नागौर शहर देहात के जिलाध्यक्ष जी, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री श्रीमान
सी आर चौधरी जी, गजेंद्र सिंह जी, अर्जुन राम जी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो लोकसभा के प्रत्याशी रहे, जो विधानसभा में प्रत्याशी रहे और हमारे माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के अलग अलग मोर्चों के संगठन के पदाधिकारी भाइयों, मेरे सामने उपस्थित सभी नागौर लोकसभा क्षेत्र के सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, ये चुनाव एक अलग प्रकार का चुनाव है। चुनाव आते हैं, चले जाते हैं, लोग खड़े होते हैं, हार जाते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन ये चुनाव हार जीत का चुनाव नहीं, ये किसी आदमी का चुनाव नहीं, ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं, ये किसी दल का चुनाव नहीं, ये चुनाव भारत देश का चुनाव है, भारत माता का चुनाव है। इस चुनाव में फैसला होगा कि जीतने वाला देशभक्त लोग जीतेंगे या देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग जीतेंगे। आज के इस मौके पर मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, देश के विभाजन के समय कांग्रेस सरकार ने बहुत बड़ी गलतियां की। हमारा पानी का मामला उस समय जब देश का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, उस समय आधा पानी हमको मिलना चाहिए था, जरा आधा पानी मिलना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस बैठी रही और फैसले को देखा नहीं। आज 19% पानी हमको मिलता है, 81% पानी और पाकिस्तान को मिलता है। माननीय मोदी जी ने फैसला किया है कि इस चुनाव के बाद इसका दोबारा फैसला होगा। हिंदुस्तान को आधा पानी मिलना चाहिए, पाकिस्तान को आधा मिलना चाहिए, 50% पानी में हिंदुस्तान का हक है। उस समय देखना या नागौर की धरती किस प्रकार से सोना उगलेगी, यहाँ के खेत लहरा उठेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, आज देश में इस प्रकार के लोग खड़े हो गए, घुसपैठिए जो हिंदुस्तान का 40 लाख के करीब लोग दूसरे देशों से आकर यहाँ बस गए, खासकर बांग्लादेश से, उनको चिन्हित कर लिया गया है कि कौन कौन वो लोग हैं। देश में सरकार नहीं बनने के बाद उनको सबको देखकर हिंदुस्तान के बाहर निकाला जाएगा, जो यहाँ आतंकवाद फैलाते हैं, जो यहाँ पर अशांति फैलाते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने आने के बाद जिस प्रकार से दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बढ़ाया है, दुनिया में दो देश हुआ करते थे, इसराइल और अमेरिका, जो अपने अपमान का बदला लेते थे, लेकिन तीसरा देश हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान हो गया, जो अपनी धरती पर अपमान करने वाले व्यक्तियों का, उनके सीमा में घुसकर आतंकवाद का मुकाबला करता है और बम ब्लास्ट करने की ताकत हिंदुस्तान में रख है। उस समय आपने देखा होगा कि यहाँ पर उस समय ढोकलाम में चीन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, हमारी सेना ने उनको रोका। उस समय चीन ने कहा 1962 को याद करो, और 1962 का वो याद दिलाना चाहते थे कि हिंदुस्तान उस युद्ध में हार गया था, उस समय हमारे यहाँ से जवाब जाता है। और कहते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, आज प्रधानमंत्री जरा नरेंद्र मोदी है, आगे बढ़ने की कोशिश की तो ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत हिंदुस्तान में है। और चीन हट गया, पीछे हट गया, ये बोला करते थे, कहते थे नरेंद्र मोदी तो हवाई जहाजों में घूमता है, हवाई जहाजों में नहीं घूमता है। जब पाकिस्तान के साथ हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने एयर स्ट्राइक की, उस समय सारे दुनिया के देश हिंदुस्तान के साथ थे। और जो कल फैसला हुआ, अजहर मोहम्मद को पूरा दुनिया ने मान लिया कि वो एक आतंकवादी आदमी है, उसको आतंकवादी घोषित कर दिया गया, ये हिंदुस्तान की विदेश नीति का ही एक हिस्सा है। आज की इस सभा में मैं कहना चाहता हूं कि आज की यह सभा जिस प्रकार से हनुमान जी बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, अलायंस में आए, ये एक प्रकार की कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार को, इस व्यभिचारी सरकार को, जहां कानून व्यवस्था खत्म हो गई,
एक हनुमान की जरूरत थी जो उस लंका को जला सके, और आज हनुमान जी एक प्रत्याशी बनकर इस लंका को जलाने के लिए आए। आप सब भाइयों को मैं हनुमान जी बेनीवाल के लिए आज इस सभा में ये कहने आया हूँ कि सारे के सारे मत देकर इनको सफल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, भारत माता की, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। यूपी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपने बीड़माना की आभा नगरी में पधार चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा वैशाल से आगे के लिए। आदरणीय योगी जी के स्वागत में हमारे यहाँ स्वस्ति वाचन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा। माँ भारती के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित करके माननीय योगी जी से निवेदन, माँ भारती के समक्ष पुष्पार्चन करें, स्वस्ति वाचन। हरि ओम भद्रंग गणे प्रणयाम देव भद्रं पापे माजत्रेरंगेमि देवि तम जदायु पतमिन्न परतो अन्ते देव यत्रा न चक्रा जरपन्तनो नाम। भारतीय जनता पार्टी नागौर के अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जी मोदी श्री रमाकांत जी शर्मा से निवेदन करूंगा। योगी आदित्यनाथ जी को साफा पहनाकर श्री जितेंद्र सिंह जी जोधा साफा पहनाकर श्री प्रवीण जी पुरोहित ओम प्रकाश जी मोदी स्मृति चिन्ह भेंट कर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का नागौर जिले की इस पवित्र धरा पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। महाराणा प्रताप का स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं नागौर लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल के साथ पार्टी के समस्त पदाधिकारी। भारत माता की, भारत माता की। मैं पार्टी के सभी विधायकों पूर्व विधायकों से निवेदन करूंगा 51 किलो की गल माला से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आभा नगरी ढीरवाना उपकाशी मंचस्थ सभी महानुभावों से निवेदन। हम सब की ओर से आपका भावभीना स्वागत, जोरदार ताली बजा करके हम स्वागत करें। और मैं इसी बीच निवेदन करूंगा अपने लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल को बुलाना चाहूंगा कि आप पधारें और इस सभा में हम सबको अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। कृपया अपने स्थान पर विराज जाएं। हम सबके लाडले प्रत्याशी आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल अपना उद्बोधन हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल। भारत माता की, भारत माता की। डीडवाड़ा की इस ऐतिहासिक सभा के अंदर हिंदुस्तान के सबसे तेज तरार नेता हमारे पथ प्रदर्शक जय श्री राम के जयकारा से
देश के जवानों के अंदर जोश भरने वाले उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे सबके पथ प्रदर्शक योगी आदित्यनाथ जी, मैं सबसे पहले योगी जी का नागौर की धरती पे वीर तेजाजी महाराज भक्त शिरोमणि मीराबाई की पावन धरती पे स्वागत सत्कार करता हूं और मैं योगी जी को भरोसा दिलाता हूं कि नागौर के अंदर आप टीटवाड़ा में सभा करने के लिए आए, यहां नागौर की सीट तो एनडीए गठबंधन जीतेगा ही जीतेगा, तो भी राजस्थान की सीटें टायर का चिन्ह कमल के फूल खिला के मिशन 25 पूरा करेगा और मोदी जी को देश के अंदर मजबूती देगा। मेरी सभा के अंदर बीकानेर से मेरा समर्थन करने के लिए आए दलितों के, पिछड़ों के और हम सबके और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल का अभिनंदन करता हूं। और मैं भी सुबह मोखा के अंदर और यहां से डूंगरगढ़ के अंदर अर्जुन जी के लिए वोट की अपील करने जाऊंगा। मेरे साथ पधारे मेरे बड़े भाई और जोधपुर के अंदर मुख्यमंत्री के खिलाफ पूरी सरकार यूनुस के जमाने से जो मेरे भाई की तरह जिनका रिश्ता रहा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल जी सैनी साहब, सी आर चौधरी साहब और हमारे विधायकगण जिला अध्यक्षगण, चूंकि योगी जी की और सभाएं फुकराजी पाड़िया और तमाम पूर्व विधायक आरएलपी के विधायक भारतीय जनता पार्टी आरएलपी के नेतागण और हजारों की तादाद के अंदर नागौर के कोने कोने से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे छोटे भाइयों, मैं आपका आह्वान करता हूँ कि हनुमान बेनीवाल इस भारत माता ने जब मुझे पुकारा, जब राम जी को हनुमान की आवश्यकता पड़ी तो हनुमान अपनी सेना लेकर राम जी को लड़ाई जिताने के लिए इस हिंदुस्तान के समर के अंदर कूद पड़ा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान ही नहीं, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और दिल्ली तक आरएलपी का बच्चा बच्चा मोदी जी के लिए लग चुका है और राजस्थान के अंदर मिशन पूरा करेगा। भाई हनुमान ने मंत्री पदों को ठोकर मारी और आम जनता की सेवा के लिए निकल पड़ा, नागौर की धरती से पुकार भरी, मेरे किसान भाइयों को न्याय दिलाऊंगा, जवानों को रोजगार दिलाऊंगा, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान होगा। और हुकारों के परिणाम है कि दिल्ली की सरकार ने कर्ज माफी की घोषणा करी और राजस्थान की सरकार ने भी मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान की बात कही। इतना ही भरोसा दिलाता हूं कि हनुमान जीत के दिल्ली गया, गजेंद्र सिंह जी जीतेंगे, अर्जुन जी मेघवाल भी जीतेंगे, बहन दिया कुमारी भी जीतेगी और हमारे बीच बाड़मेर के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई कैलाश चौधरी जी आए हुए, वो भी उनको बधाई देता हूँ अग्रिम कि वो भी बाड़मेर से जीत रहे। हम 25 यहाँ के एमपी मिलकर राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे, न तो आपको टोल देना पड़े, न कर्जा देना पड़े और न बिजली का पैसा देना पड़े। भाइयों, आपको योगी जी को सुनना है, मेरे सामने कांग्रेस की प्रत्याशी है, भाइयों वो मायरा की बात कर रही है, दो बार तो मायरा भर दिया, तीसरी बार उसको चुनड़ी उठा के हरियाणा भेजना है, पावड़ा पावड़ा उठी के ज्योति जी का हाथ का फलका खाया में बहुत दिन होगा, मैंने हरियाणा भेज रही है। भाइयों, इतना विश्वास दिलाता हूँ, हनुमान ने संघर्ष किया, आगे भी संघर्ष करेगा। जिस तरह नागौर के खिलसर से इस किसान के बेटे ने हैट्रिक बनाई, अपनी पार्टी बनाई और भारत माता को आवश्यकता पड़ी तो आरएलपी और हनुमान मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए रात और एक दिन करने के लिए लग गए, तमाम 25 सीटें जीता के मोदी जी को समर्पित करेंगे।
मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को कि तब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के बंगाल की खाड़ी के अंदर भाग गए, वहाँ शांति व्यवस्था कायम हो गई। और इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने नागौर को सभा के लिए चुना है। गजेंद्र सिंह जी को धन्यवाद दूंगा, तमाम नेताओं को, मेरे भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि पिछले 15 दिनों से हनुमान की ताकत बढ़ा रहे। इतना विश्वास देता हूँ कि हनुमान आपके लिए लड़ेगा, प्रयास करेगा, नागौर को विकास के नए आयाम देगा। भाइयों, मेरे पे तो गाने बने, 334 पे फिल्म बन गई, 6 तारीख को शूटिंग होगी और 23 तारीख को फिल्म रिलीज होगी। नाम है भाई काली सासरी है, इसको आपको विदाई करनी है और भाई को दिल्ली भेज रहे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, जय हिंद। ऋषियों मुनियों संतों का तप अनमोल हमारी थाती है, बलिदानी वीरों की गाथा अपने रग रग लहराती है, गौरवमय नव इतिहास रचे अब अपनी ही तो बारी है। हमारी बारी का स्मरण करवाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एनडीए नागौर के चुनाव चिन्ह का आपके ओजस्वी उद्बोधन का हम लाभ लेंगे। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारत माता की जय, श्री राम जय, श्री राम भारत माता की। आप अपने स्थान पर विराज जाए, बैठने से ठीक से सुन पाएंगे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान मदनलाल सैनी जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमान सीआर चौधरी जी, श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, श्रीमान अर्जुन मेघवाल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र गहलोत जी, विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी श्रीमान ब्रह्मदेव सिंह जयशास्त्री, जिलाध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश मोदी जी, जिलाध्यक्ष नागौर शहर श्रीमान रमाकांत शर्मा जी, विधायक मकराना श्रीमान रूपाराम मुरावतिया जी, विधायक मेड़ता श्रीमती इंदिरा बाबरी जी, लोकसभा प्रभारी श्रीमान पुखराज पहाड़िया जी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और हमारे एनडीए के प्रत्याशी श्रीमान हनुमान बेनीवाल जी और इतनी भारी संख्या में उपस्थित नागौर से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबको राम राम सा। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी का और भर्तहरी जी महाराज की साधना स्थली के रूप में, तपस्थली के रूप में यह धरती विख्यात है। साथ ही साथ भक्ति शिरोमणि मीराबाई की जन्मस्थली भी यहीं बगल में मेड़ता में, मैं विधानसभा चुनाव में भी यहां आया था। सचमुच पूरे देश के अंदर जब राजस्थान की चर्चा होती है तो महाराणा प्रताप का शौर्य और पराक्रम और मीराबाई की भक्ति पूरे देश को अपनी ओर परवश खींचती है। मैं वीरों की इस भूमि को और भक्तों की इस भूमि को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आपने कल एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार सुना होगा, भारत का मोस्ट वांटेड पाकिस्तान का कुख्यात आतंकी अजहर मसूद को
अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने में भारत को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। यानी इस सफलता का मतलब अब अजहर मसूद यूएनओ से जुड़े हुए 93 देशों में किसी भी देश की यात्रा नहीं कर सकता, उसको कहीं से चंदा नहीं मिल सकता, और दुनिया के इन सभी देशों में जहां कहीं भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े हुए देश हैं वहां पर उसकी संपत्ति को अब आसानी से जब्त किया जा सकता है। यानी अजहर मसूद का मतलब ओसामा बिन लादेन की तरह उसकी भी उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। जो कार्य 10 वर्षों में कांग्रेस नहीं कर पाई वह कार्य इसलिए हो पाया क्योंकि मोदी हैं तो मोदी जी के आने के बाद एक एक करके आतंकवादियों को जैसे ठिकाना लगाया जा रहा है, मुझे लगता है उससे तो सर्वाधिक प्रसन्न राजस्थान की धरती, वीरों की धरती तो अवश्य होती होगी। और अजहर मसूद भी और उसके आका भी अब जब अपनी उल्टी गिनती प्रारंभ कर रहे हैं तो कल से उनके घरों में भी चूल्हा नहीं जल रहा होगा। वे सब अब चिंता में पड़ गए होंगे क्योंकि आपने देखा होगा मोदी जी जब भाषण कर रहे होते हैं राजस्थान में, भीषण गर्मी पड़ रही है राजस्थान में, लेकिन पसीना छोड़ता है इमरान खान को पाकिस्तान के एसी रूम में। यह है भारत का शौर्य और यह है भारत का पराक्रम। और भाइयों बहनों, मैं आज इसीलिए आपके बीच में आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए कि नागौर की धरती और राजस्थान की धरती विगत 6 महीनों के अंदर कांग्रेस के दोहरे चरित्र को देख चुकी है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार आई तो उत्तर प्रदेश में लोगों ने कहा कि क्या काम करेंगे, तो मैंने कहा सबसे पहला काम करूंगा किसानों का कर्ज माफ करूंगा, दूसरा काम मैंने किया अवैध बूचड़ खानों को एक झटके में प्रदेश के अंदर पूरी तरह बंद करवा दिए, तीसरा काम किया कि बहन बेटियों की इज्जत के साथ जो लोग खिलवाड़ करते थे उनके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर दिया, चौथा काम किया कि सत्ता में रह करके जिन्होंने बड़ी बड़ी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया था उनके लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बना करके सारी जमीनों को कब्जे से मुक्त करके गरीबों में बांटने का कार्य हमारी सरकार ने किया। और उसी की नकल कांग्रेस की सरकार ने किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की थी, अंततः नहीं कर पाई कांग्रेस, अपने किसी भी वायदे को पूरा नहीं कर पाई। और इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि कांग्रेस बोलती कुछ और है करती कुछ और है। और यह केवल कांग्रेस का नहीं, ऊपर से नीचे तक पूरे कांग्रेस के हर कैरेक्टर का यही सब दृश्य सामने आता है। आप देखते होंगे कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को भारत में रहते हैं राहुल गांधी के नाम पर माने जाते हैं, जाने जाते हैं, और जब बाहर से बाहर जाते हैं तो अपना नाम राउत बिंसी के नाम से अपना नाम लिखवाते हैं। यानी जो व्यक्ति अपनी पहचान को भी दुनिया के अंदर रखने में जिसको गौरव की अनुभूति होने की बजाय शर्म महसूस होती हो, वह व्यक्ति भारत की 130 करोड़ जनता का गौरव कैसे बढ़ा पाएगा। और यही तो राजस्थान वासियों से मैं कहने के लिए आया हूं, हमारे पूर्वजों का पूरा संघर्ष, पूरा शौर्य, पूरा पराक्रम तो देश और धरती की रक्षा के लिए संपन्न हुआ था। और हमेशा राजस्थान की धरती ने इस बात को महत्व दिया कि मेरा तेरा नहीं, कांग्रेस का नारा है
कि मेरा बेबा अमर रहे मां, तुम दिन चार रहो न रहो। लेकिन भाइयों बहनों, राजस्थान का तो एक ही स्लोगन था कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और इस अपने स्लोगन के साथ राजस्थान ने देश की स्वाधीनता की और विधर्मियों के खिलाफ लड़ाई की जो संघर्ष की गाथा लिखी है, आज देश और दुनिया राजस्थान के प्रति नतमस्तक होता है। महाराणा प्रताप का नाम बड़े ओजस्वी भाव के साथ, अमर सिंह राठौर का नाम बड़े चाव के साथ, बड़े सम्मान के साथ लेता है। लेकिन भाइयों बहनों, भारत के इस इतिहास को कांग्रेस धूमिल करना चाहती है और इसीलिए आपसे आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं। विगत दो महीनों के दौरान पूरे देश के अंदर मुझे जाने का, पूरब में, बंगाल में, ईसा में, असम में, त्रिपुरा में, महाराष्ट्र, गुजरात में, दक्षिण में भी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है ही, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। चारों ओर एक ही आवाज है, मोदी मोदी की। पूरे देश के अंदर एक नारा गूंज रहा है और वह नारा है, फिर एक बार मोदी सरकार। ये फिर एक बार मोदी सरकार का जो ये नारा है, ये जनता का भाव है, जनता की तमन्ना है, भारत के करोड़ों करोड़ मतदाताओं का ये भाव है। और ये अचानक नहीं पैदा हुआ भाइयों बहनों, 2013 में जब मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया गया था तब मोदी जी का नाम था। गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्होंने कार्य किया था वो देश और दुनिया के सामने था। लेकिन 5 वर्ष में देश के अंदर बिना भेदभाव के गरीब कल्याण की योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की योजनाएं, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर जिस दृढ़ता के साथ कार्य किया गया, किसानों के लिए जिस प्रकार की योजनाएं लाई गई और वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ाने के लिए जो कार्य हुआ है, आज उसका परिणाम है पूरा देश आज एक स्वर से बोल रहा है, फिर एक बार। 5 वर्ष में मैं कहता हूं कांग्रेस ने देश के अंदर 55 वर्षों तक शासन किया। भाइयों बहनों, 55 वर्षों में कांग्रेस ने जो कार्य नहीं किया, जो कार्य नहीं कर पाई, मोदी जी ने 5 वर्ष के अंदर वह कार्य करके दिखाया। 5 वर्ष में 1.5 करोड़ गरीबों को मकान दे देना, 5 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों को सौभाग्य योजना में विद्युत का कनेक्शन दे देना, 5 वर्ष में 7 करोड़ गरीब महिलाओं को रसोई गैस का कनेक्शन दे देना, 9.5 करोड़ गरीब परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवा देना, 12.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था करना। और 6,000 रुपए सालाना ही नहीं, अभी लघु और सीमांत किसान हैं, कृषि मंत्री यहीं पर बैठे हैं। भाइयों बहनों, 23 मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार होगी तो बचे हुए किसानों के खाते में भी 6,000 रुपए सालाना आना प्रारंभ हो जाएगा, ये भेदभाव समाप्त हो जाएगा। 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना में आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना, 37 करोड़ गरीबों के खाते में बैंक के साथ जोड़ने की व्यवस्था करना, और भाइयों बहनों, 50 करोड़ गरीबों को पूरे देश के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो कार्य प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और इसलिए पूरे देश के अंदर एक गूंज है, वह है मोदी मोदी की। पूरे देश के अंदर एक नारा है, फिर एक बार मोदी सरकार की। देश की सुरक्षा के मोर्चे पर,
कांग्रेस की सरकार के समय जगह जगह विस्फोट होते थे, आतंकी घुसते थे, निर्दोष नागरिक मारे जाते थे, पाकिस्तान हमारे सैनिकों का सिर काट करके लेके जाता था। लेकिन क्या आज पाकिस्तान हमारे सैनिकों का सिर काटने का दुस्साहस कर पाएगा? आज नहीं कर पाएगा। आपने विंग कमांडर अभिनंदन के मामले को देखा होगा, पाकिस्तान के फाइटर प्लेन को नष्ट करने के बाद हमारा विंग कमांडर पाकिस्तान में गिरता है, लेकिन मोदी जी के द्वारा आंखें दिखाई जाती हैं, पाकिस्तान को 48 घंटे के अंदर विंग कमांडर भारत के अंदर पहुंच जाता है, सकुशल पहुंच जाता है। यह है भारत की ताकत। भारत की सेना, भारत के सैनिक दुनिया के अंदर अपने शौर्य और पराक्रम के लिए सदैव जाने जाते रहे हैं। भारत की सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है। लेकिन भाइयों बहनों, राजनीतिक नेतृत्व की अकर्मण्यता, दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव सदैव भारत को आक्रामक होने और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने से रोकता था। मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने 5 वर्ष के दौरान देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को जो सुदृढ़ता प्रदान की है, आज उसका परिणाम है भारत का दुश्मन भारत को आंख नहीं दिखा सकता। आज भारत का दुश्मन भी थरथरा करके कांपता है भारत से, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर भारत के निर्दोष नागरिकों पर हमला किया तो भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर घुस करके कैंपों को नष्ट कर देगी और फिर पाकिस्तान को अपने अस्तित्व के लिए जूझना पड़ेगा। यह कार्य हुआ है इसलिए क्योंकि एक मजबूत सरकार आज भारत के अंदर है। भाइयों बहनों, उसी मजबूत सरकार को फिर से लाने के लिए, जो हमें सुरक्षा दे सके, जो हमारा सम्मान बढ़ा सके, भारत के नौजवानों के लिए रोजगार दे सके, किसानों को खुशहाली डाला सके, उस कार्य को करने के लिए कोई एक सरकार इस कार्य को कर सकती है तो वह सरकार है मोदी सरकार। और मोदी सरकार को फिर से मौका मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए ने हनुमान जी बेनीवाल को अपना प्रत्याशी आपके बीच में बनाया है। भाइयों बहनों, श्री हनुमान जी बेनीवाल आपके बीच में यहां पर श्रीमान सी आर चौधरी जी के साथ मिलकर के नागौर के विकास के लिए जो उनकी योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर के आए हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, नागौर के नौजवानों के सम्मान के लिए, यहां के किसानों की खुशहाली के लिए, यहां की बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए और यहां पर चारों ओर समग्र विकास की जो रूपरेखा श्री हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का यह प्रत्याशी लेगा, उस दृष्टि से आपको टायर पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित हनुमान जी बेनीवाल के पक्ष में आपसे समर्थन मांगने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबसे अपील करूंगा, नागौर संसदीय सीट पर एनडीए समर्थित प्रत्याशी से हनुमान जी बेनीवाल का चुनाव चिन्ह आपके सामने है। याद रखना, राजस्थान की सड़कों पर टायर ये चले नागौर का, और इसलिए हनुमान जी बेनीवाल आपके बीच में हनुमान बनकर के आपके विकास के सारथी बनेंगे। और इस विश्वास के साथ हम सब आपके बीच आए हैं कि नागौर में टायर पर पड़ने वाला एक एक वोट मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएगा। और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सबसे अपील करते हुए, हनुमान जी बेनीवाल को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हुए, मैं एक बार पुनः यहां पर महान गौरक्षक वीर तेजाजी महाराज, जिन्होंने गौ भक्ति का एक बहुत अच्छा कार्य किया था, उन्हीं भावनाओं का सम्मान करते हुए ही हमने तेजाजी महाराज के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए ही
उत्तर प्रदेश में सभी अवैध बूचड़ खानों को बंद करवाया है। और भाइयों बहनों, यही अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं कि हनुमान जी बेनीवाल को भारी मतों से विजयी बनाएं, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएं। इस विश्वास के साथ आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोले गोरक्षक वीर तेजाजी महाराज की, गोरक्षक वीर तेजाजी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। डीडवाना की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत। आभा नगरी उपकाशी डीडवाना की इस धरा पर आप सब लोग पधारे, आप सबका अभिवादन। मैं जिला अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी मोदी से निवेदन करूंगा, सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें आदरणीय मोदी जी। इस भीषण गर्मी और लू में हमारे नगर के और आसपास से पधारे भाजपा के प्रशंसक और वोटर, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी इस धूप में कड़कड़ाती से रुक गए और जिस प्रकार इस मीटिंग सफल बनाया है, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन पत्रकार बंधुओं को जिन्होंने पधार कर इस कार्यक्रम सफल बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद।